नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहूँगा, उत्तराखंड जिला दर्शन वाली जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें हमने कवर कर लिए थे 13 जिले। अब जो ये नई वीडियोज आएंगे, इसमें हम पार्टिकुलर प्लेसेस का, जैसे देहरादून है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, मसूरी है, इन जगहों पर स्थित भी छोटे छोटे पर्यटन स्थल, छोटे छोटे या छोटे बड़े मंदिर हैं जो, या धार्मिक प्लेस हैं, या कोई अद्भुत और अन्य स्थान है आश्चर्य से भरे हुए, उनको डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल पे आप देख पा रहे हैं, देहरादून स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ साथ आपको पता चलेगा यहाँ के कुछ धार्मिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में, और साथ में देहरादून से जुड़े हुए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आजकल तो फैक्ट ऐसे ले रहा है UK SSSC कि छोटे से छोटा मंदिर, छोटे से छोटा मेला, छोटे से छोटी नदी भी पूछ ली जा रही है एग्जाम्स में, क्योंकि इतना पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है सिलेबस में। देखिए, काफ़ी लोगों को परीक्षाओं आ गई, विंसर की बुक भी बड़ी लगती है, लेकिन अगर आप मन बना लें तो केवल 1 महीने का ही उसका सिलेबस है और बाकी आपको फिर रिवीजन करते रहना है। ठीक है, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, 10 अलग अलग किताबों के पढ़ने से बेहतर है कि आप केवल एक किताब को 10 बार पढ़िए अगर जल्दी सक्सेस होना है। ये मूल मंत्र है, इसको पकड़ लें। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे देहरादून स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। तो फ्रेंड्स देखिए, देहरादून सबसे पहले जान लेते हैं, हमारे राज्य उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी है। देहरादून जाए और टपकेश्वर महादेव का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है? ये असंभव है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। तो मुख्य देहरादून शहर से 5 किलोमीटर आगे गड़ी कैंट नामक प्लेस है, वहाँ पर एक पहाड़ी छोटी सी नदी बहती है, उसके तट पर स्थित है टपकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ पे जो स्थापित शिवलिंग है और उस पर चट्टान है जो ऊपर से, वहाँ से प्राकृतिक रूप से पानी का रिसाव होता है, मतलब ड्रॉप्स आते हैं पानी की, इसी वजह से मंदिर का नाम पड़ गया, टपक टपक के जल गिरता है शिवलिंग पे, इसी कारण नाम पड़ गया होगा इस मंदिर का टपकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, दूसरा जो प्लेस है मालसी मृग विहार। तो मालसी प्लेस पड़ता है जब हम देहरादून से मसूरी के लिए निकलते हैं, तो देहरादून से लगभग 10 किलोमीटर आगे जाकर मसूरी डाइवर्जन आता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है शिवालिक श्रेणियों के पाद प्रदेश में, पाद प्रदेश का मतलब होता है जहाँ पर शिवालिक प्रदेश बिल्कुल खत्म हो रहे हैं ढलान पे। ठीक है, यहाँ पर ये जंतु उद्यान है मालसी मृग विहार, या इसको लोकल लैंग्वेज में ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे या पर्यटक हैं घूमने जाते हैं, मालसी डियर पार्क बोला जाता है इसको। यहाँ पर मृगों एवं पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। अगला प्लेस है, आप गर्मी आ रही है, नहाने के शौकीन हैं, जल क्रीड़ा करना आपको अच्छा लगता है, तो सहस्त्रधारा आपके लिए स्पेशल प्लेस है देहरादून में। तो देहरादून से 14 किलोमीटर दूर है बाल्की नदी पर, ध्यान रखेंगे बाल्दी नदी और मनोरम शैल चट्टानों से आवृत यह स्थान गंधक मिश्रित जल के लिए प्रसिद्ध है। सहस्त्रधारा में आर्टिफिशियल वाटर पार्क की स्थापना भी की गई है, निजी है किसी का, और उसके साथ साथ नीचे लोगों ने छोटे छोटे वहाँ पे पत्थरों का एक हिसाब से चेक डैम बना के तालाबे टाइप की बनाई है, वहाँ पे लोग बड़ा मजा लेते हैं नहाने का। और वहाँ पे गंधक का एक सोर्स भी है, गंधक जल का, गंधक होता है ना सल्फर, उस जल में बोलते हैं अगर आप नहाएंगे तो आपकी जो स्किन डिजीज होती है वो खत्म हो जाते हैं, जितने भी चर्म रोग होते हैं वो बंद हो जाते हैं गंधक युक्त जल में नहाने से, तो इसके लिए भी फेमस है सहस्त्रधारा। अगला जो है चंद्रवनी, ठीक है यहाँ पे चंद्रवंगी दिया है, वैसे चंद्रवंगी है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार कन्फ्यूजन होता है चंद्रबनी और चंद्रबदनी में। चंद्रबनी जो है वो देहरादून में है, चंद्रबदनी जो है वो टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। तो चंद्रबनी जो मंदिर है गौतम कुंड या चंद्रबनी नाम से विख्यात, इस स्थान पर महर्षि गौतम की तप स्थली है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के किस स्थान पर महर्षि गौतम की तप स्थली है, तो ये चंद्रबनी में है। शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित इस कुंड में पवित्र स्नान का पौराणिक महत्व है, मतलब एक धार्मिक महत्व है अगर यहाँ पे आप स्नान करते हैं। नेक्स्ट जो प्लेस है देहरादून का वो है साईं मंदिर, ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो देहरादून से 8 किलोमीटर ऊपर राजपुर, जहाँ पॉश कॉलोनीज हैं, तो राजपुर रोड पर स्थित साई दरबार है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा, अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए देश विदेश में ये काफ़ी फेमस स्पॉट बन चुका है साई मंदिर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए तिब्बतीयन मंदिर, जो कि स्थित है देहरादून ISBT से 2 किलोमीटर आप जाएंगे दक्षिण की तरफ, तो वहाँ पर क्लेमेंट टाउन एक शहर बसा है, कस्बा बोल सकते हैं क्लेमेंट टाउन, वहाँ पर तिब्बतीयन मंदिर है क्लेमेंट टाउन में। ठीक है, बड़ा अच्छा मंदिर है, मैंने एक MCQ वाली वीडियो में आपको बताया था, वहाँ जब इस मंदिर का उद्घाटन किया गया तिब्बतीयन मंदिर का, तो ये स्वयं किसने किया था, तिब्बत के जो धार्मिक गुरु है ना, बौद्ध गुरु दलाई लामा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो तिब्बती बौद्ध धर्मावलंबी
का यह पूजा स्थल साई दरबार के पास है। यह अपनी विशिष्ट वास्तुशिल्प शैली एवं तिब्बती पूजा पद्धति के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, तिब्बतीयन मंदिर। नेक्स्ट देखिए गुच्चू पानी। तो गुच्चू पानी अगर आप पिकनिक जाना चाहते हैं देहरादून में, तो सबसे बेस्ट प्लेस हो सकता है आपके लिए गुच्चू पानी। गुच्चू पानी पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित है। देखिए यहाँ पे रोबर्स गुफाएं भी हैं। क्वेश्चन बनता है कि राज्य के किस स्थान पर रोबर्स गुफाएं हैं, तो ये हैं गुच्चू पानी में। यह घंटाघर से 8 किलोमीटर दूर अनारवाला गाँव के पास पैदल मार्ग पर है। तो देहरादून में काफ़ी वालाज मिलेंगे आपको, अनारवाला, डोईवाला, सिद्धीवाला, लच्छीवाला, कालूवाला। तो ऐसा मैंने सुना है फैक्ट कहीं पे, आई थिंक, मेरे को पता नहीं है, देहरादून में लगभग 250 प्लस वाला है, ठीक है। तो वाला यहाँ के हर प्लेस का एक पार्टिकुलर नेम है। तो गुच्चू पानी में ही है रोबर्ट्स गुफाएं और काफ़ी अच्छा ये स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट। नेक्स्ट है लच्छीवाला। तो देहरादून से डोईवाला मार्ग पर है ये, ठीक है, और यहाँ पे कलकल बहती नदी के तट पर है और यहाँ पे पिकनिक स्पॉट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लच्छीवाला पे। मैंने अमूमन देखा है कि ज़्यादातर लोग लच्छीवाला पे ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। अगला देखिए चार दिशाओं में चार सिद्ध। तो देहरादून स्थित ये चार सिद्ध भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको याद हो, आपका जो एग्जाम हुआ था कनिष्ठ सहायक, उसमें से पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा सिद्ध देहरादून में नहीं है। भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध। तो आज इन सिद्धों को भी जान ले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आचार्य दोंगल की कर्मस्थली देहरादून चार सिद्धों की तपस्थली भी रही है। दून घाटी में चारों दिशाओं में बनी सिद्धों की समाधियों मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों में अपार श्रद्धा है। इन चारों धर्मस्थलों में रविवार को पूजा की विशेष मान्यता है। बताया जाता है कि स्वामी दत्तात्रेय के 84 सिद्ध शिष्यों में से चार दून घाटी में बस गए थे। ये थे लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ लक्ष्मण सिद्ध। तो लक्ष्मण सिद्ध, बाबा लक्ष्मण सिद्ध का प्राचीन मंदिर देहरादून ऋषिकेश मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर, देहरादून शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है, ठीक है। यहाँ हर महीने के रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। हर साल अप्रैल माह के अंतिम रविवार को लक्ष्मण सिद्ध में विशेष मेला लगता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि देहरादून स्थित लक्ष्मण सिद्ध में विशेष मेला कब लगता है, तो अप्रैल माह के अंतिम रविवार को। नेक्स्ट है देखिए माणक सिद्ध। बाबा माणक सिद्ध का मंदिर शिमला बाईपास मार्ग पर भुट्टी गांव के पास है। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा के मंदिर में हर दिन रविवार को भक्तों का मेला लगता है। बाबा को गुड़ की भेली, बतासे और दूध चढ़ाया जाता है। तो ये है माणक सिद्ध। नेक्स्ट है देखिए कालू सिद्ध। तो कालू सिद्ध की मैं बात करूँ, यह समाधि देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर भानियावाला से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। तो भानियावाला एक प्लेस है जहाँ पे से एक रोड आपको मिलती है हरिद्वार के लिए और एक सड़क जाती है ऋषिकेश के लिए, ठीक है, डिवाइडर पॉइंट है वो। यहाँ पे मान्यता है कि बाबा की आराधना से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देहरादून स्थित कौन सा सिद्ध पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु विख्यात है, तो यह है कालू सिद्ध। यह मंदिर खुले आसमान के नीचे बना है। इस पर छत बनाने का प्रयास हर बार असफल हो जाता है, ऐसा वहाँ पे मान्यता है लोगों में। संभवतः बाबा की यही इच्छा होगी। और लास्ट जो सिद्ध है वो है मांडू सिद्ध। यह मंदिर प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी के निकट स्थित है। तो प्रेमनगर अगर आप गए होंगे, आप लोग प्रेमनगर, जहाँ प्रेमनगर जब हम जाते हैं तो बीच में पड़ता है ये IMA, ठीक है, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसी एरिया की बात हो रही है, प्रेमनगर वहीं पे है। यहाँ पहुँचने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यह भी मान्यता है कि दून के चारों सिद्धों के दर्शन एक ही दिन में करने से मनोकामनाएँ पूरी नहीं होती, अतः लोग अलग अलग दिन इन मंदिरों में शीश नवाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। देखिए पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ। इसमें उसने ऑप्शन में दिया था कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और माणक सिद्ध, लेकिन लक्ष्मण सिद्ध नहीं दिया था और भैरव सिद्ध दिया था इसकी जगह, और पूछ लिया था कि कौन सा सिद्ध देहरादून में नहीं है, तो भैरव सिद्ध उसका आंसर था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में जाना देहरादून में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। इसके साथ साथ मैं और बात करूँ देहरादून में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, घंटाघर है जैसे मेनली देहरादून के मेन मार्केट में घंटाघर है, ठीक है, देहरादून में है। बाकी आप डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बोल दिया पार्टिकुलर वीडियो, ये केवल देहरादून शहर के ही आसपास के एरियाओं की बात हुई। इसके बाद हम ऋषिकेश के कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट और अन्य प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मसूर के प्लेसेस के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। सभी चीज़ों का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उत्तराखंड के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, नगर हैं, वहाँ पे स्थित जो महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं, मंदिर हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, उनके लिए पृथक पृथक वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कंबाइन देखना है तो आप उत्तराखंड जिला दर्शन वाली सीरीज देखिए, वहाँ पे 13 जिलों का संक्षिप्त जो डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे फ्रेंड्स। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।